नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही अमेजिंग डिवाइस लेकर के आया हूँ। वो देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल होममेड है, बिल्कुल अपने हाथों से बनाया हुआ है। यहाँ पे देखिए, दो इनपुट है ऑक्स के लिए, एक ब्लूटूथ मॉड्यूल है, एक वॉल्यूम है वॉल्यूम को एडजस्ट करने के लिए, और एक इंडिकेटर है। और इधर बैक साइड में देखिए दोस्तों, तो तीन आउटपुट दिया गया है और दोस्तों एक ऑन ऑफ स्विच है। तो दोस्तों, इस डिवाइस का हम यूज करने वाले हैं होम थिएटर बजाने में। तो दोस्तों, मैं इस डिवाइस से तीन होम थिएटर को कनेक्ट करके एक साथ बजा सकता हूँ, यानी कि तीन होम थिएटर को एक साथ एक ही गाना पे प्ले कर सकते हैं। और यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, जो दो ऑक्स हैं इस पे आप जैक लगा करके और अलग से मोबाइल भी पिन डाल के बजा सकते हैं, वो भी मैं वीडियो में दिखा दूंगा। तो वीडियो को कंटिन्यू देखिए दोस्तों। तो दोस्तों, इस प्रकार का डिवाइस आपको पूरे YouTube में कहीं नहीं मिलेगा और ना ही मार्केट में मिलेगा, क्योंकि ये अपने से बनाया गया डिवाइस है। और इसे मैं खोल के इसका कनेक्शन भी मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ, और इसे टेस्टिंग करके मैं दिखाऊंगा, यानी प्ले करके दिखाऊंगा होम थिएटर पे। और दोस्तों, यहाँ पर देखिए, जो तो तीन सॉकेट दिया गया है, इससे हम तीन होम थिएटर को कनेक्ट करके और बजा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इसके अंदर में देख लेते हैं क्या क्या कनेक्शन किया गया है किस प्रकार से। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, ये 5 वोल्ट आउटपुट किट है मॉड्यूल, इसमें हम डायरेक्ट 220 इसमें डालेंगे लाइन, तो ये हमारा 5 वोल्ट का आउटपुट यहाँ से दे देगा। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, 16 वोल्ट 1000 UF का एक कंडेंसर हमने यूज किया है, ताकि इसका वोल्टेज कभी ड्रॉप ना हो बजने के दौरान। दोस्तों, आप इसे DJ में भी यूज़ कर सकते हैं और होम थिएटर बजाने में भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये जब DJ बजाया जाता है तो उसमें 2-3 एम्पलीफायर को कनेक्ट किया जाता है, तो इस सॉकेट से आप कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि ये आपका है छोटा लेकिन बड़ा बड़ा काम कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमारा 220 लाइन इन हुआ, और ये देखिए गया स्विच में, और स्विच से होते हुए वापस किट में, यानी कि हमारा स्विच पावर ऑन ऑफ के लिए काम करेगा। उसके बाद ये देखिए 5 वोल्ट, जो कि हमारा ये ब्लू तार से डायरेक्ट न्यूट्रल आ गया है इधर के लिए, और ये सफ़ेद और ये दूसरा वाला ब्लू, यहाँ ये हमारा ब्लूटूथ मॉड्यूल में 5 वोल्ट का इनपुट दिया गया है इसे। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे कि इस पैनल को, ब्लूटूथ पैनल को हम 5 वोल्ट इनपुट देते हैं, तो ये अपना वर्क करने लगेगा। और दोस्तों, यहाँ पे एक देख लीजिए LED दिया गया है, जो पावर LED है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का यूज किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ये आउटपुट सॉकेट है, लेफ्ट राइट और ग्राउंड, यानी कि हमारा इस पैनल से जो इनपुट होगा ये ऑक्स, और ये ऑक्स से वो हमारा इस वायर के जरिए आउट होगा। ये देखिए हमारा वॉल्यूम से कनेक्ट है, और वॉल्यूम से ये आउटपुट तक गया है, और यहाँ से हमारा होम थिएटर में आउटपुट चला जाएगा, यानी कि तीनों होम थिएटर में सेम आउटपुट जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों, कनेक्शन देख लीजिए कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि पॉजिटिव वाला नीचे से कनेक्शन दे दिया गया है, ये देखिए ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है, यानी कि दोनों को आपस में शॉर्ट कर दिया गया है, और ये पॉजिटिव को एक साथ में शॉर्ट कर दिया गया है। और ये देखिए दोस्तों, पॉजिटिव में यहाँ पर हरा और पीला तार का यूज किया गया है, और ये दोनों को यहाँ पर आप देखिए, तो ये ऑक्स जो होता है हमारा ब्लूटूथ मॉड्यूल में, ये ऑक्स यहीं का कनेक्शन से ये काम करेगा, यानी कि जब हमारा डिस्प्ले में AUX मोड लिखेगा, ऑक्स मोड, तो हमारा ये इनपुट काम करेगा। अब यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, ये जो हमारा वॉल्यूम है, ये 100 के का हमने वॉल्यूम यहाँ पे यूज किया है, आप यहाँ पे दूसरे वॉल्यूम का भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो आउटपुट है लेफ्ट राइट, वो हमारा फर्स्ट एक नंबर वाली टांग में अटैच है, और ये जो सेकंड है पीला वाला तार, ये देखिए ये हमारा आउटपुट के साथ कनेक्ट है, वो भी आउटपुट का पॉजिटिव में, और नेगेटिव के तार को देखिए तो ये तीसरे नंबर वाला तार में अटैच है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो ये नेगेटिव को डायरेक्ट यहाँ से भी लाइन दे दिया गया है, क्योंकि हमारा इसे नेगेटिव यहाँ पर कमज़ोर ना पड़ जाए, और कमज़ोर पड़ने अगर पड़ेगा तो ये चमचमाहट का आवाज़ देगा,
यानी कि नॉइस आ जाएगा। और ये देखिए दोस्तों, ये जो ब्लू तार है इससे हमारा डायरेक्ट कॉन्डेंसर से न्यूट्रल दे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट है दोस्तों। अब यहाँ पे देख लीजिए, इसमें भी सेम वही काम किया गया है, यानी कि न्यूट्रल को अटैच कर दिया गया है एक साथ और पॉजिटिव को एक साथ अटैच कर दिया गया है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप इस कनेक्शन को भी बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम रिप्लाई देने का बिल्कुल कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों अब इसका टेस्टिंग भी कर लेते हैं। इसके लिए इसे हमें होम थिएटर के पास ले जाना होगा और इसे हम यहाँ पे सेट कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये होम थिएटर भी देख सकते हैं, तो ये भी बिल्कुल होममेड है, ये भी हमने अपने घर पे बनाया है। और आप भी अगर इसे बनाना चाहते हैं और इसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो कमेंट कर दें, हम इसका भी एक वीडियो बना करके और यूट्यूब पे डाल देंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो हमारा होम थिएटर का कनेक्शन है ये हमारा दो वायर से आया है स्पीकर की तरफ, और यहाँ पर ये देखिए इसमें भी एक मॉड्यूल लगाया गया है लेकिन ये ब्लूटूथ नहीं है, और बहुत सारे पुराने होम थिएटर में ब्लूटूथ नहीं होते हैं, तो उसके लिए आप ये डिवाइस अपने घर पे बना सकते हैं और एक साथ तीन होम थिएटर को रन करा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए देखिए दोस्तों, हम इसमें लाइन देने जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये हम जो होम थिएटर बनाए हैं ये 12 वोल्ट पे वर्क करता है, और इसके लिए हम अभी SMPS का यूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये देखिए SMPS में लाइन आ चुका है, यानी कि हमारा ये एम्पलीफायर का स्विच अब ऑन करेंगे, लाइन आ चुका है इसका भी, और ये जो डिवाइस हमने बनाया है इसमें भी लाइन आ चुका है। ये देखिए दोस्तों, ये ब्लूटूथ मोड आ चुका है। अब यहाँ पे हम ब्लूटूथ से गाना बजा करके और दिखाते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पे ब्लूटूथ को कनेक्ट कर लिया है अपने एम्पलीफायर से, तो यहाँ पर मैं एक सॉन्ग प्ले करके दिखाऊँगा, तो आप उसे सुनिए, और मैं इस वॉल्यूम का भी यूज करके दिखाऊँगा। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे साउंड प्ले हो चुका है और गाने भी बज रहे हैं स्पीकर पे। अब ये देखिए दोस्तों वॉल्यूम, आप साउंड देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अभी जो म्यूजिक प्ले हो रहा था वो हमारे बैक पैन में यहाँ पे देख सकते हैं बीच वाले से आउटपुट निकल रहा था, अब मैं इसे साइड वाले से आउटपुट निकालूंगा और फिर मैं म्यूजिक को प्ले करके दिखा दे रहा हूँ, ताकि आपको भी पता चल पाए कि तीनों में आउटपुट सेम बराबर है। ये देखिए दोस्तों, मैं फर्स्ट वाले में इनपुट लगा दे रहा हूँ। दोस्तों मैं यहाँ पे जो ऑक्स 1 और ऑक्स 2 है इन दोनों को भी चेक करके दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि उसके लिए हमें ये देखिए ये जो जैक पिन वाला मोबाइल पिन आता है इसका हमें यूज करना पड़ेगा। और ये जैक पिन को जैसे कि हम फर्स्ट इनपुट में कनेक्ट कर दिए, उसके बाद इसे फोन पे लगाना पड़ेगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा फोन में लग जाएगा, और उसके बाद
फिर यहाँ से हम ब्लूटूथ मोड को ऑक्स मोड में करेंगे तभी ये गाना प्ले हो सकता है। तो मैं उसे भी प्ले करके दिखा दे रहा हूँ, आप वीडियो में कंटिन्यू रहे। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा करके ऑल में सेलेक्ट कर लें ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों ये जैक पे हमारा गाना बज रहा है हमारे फ़ोन में, लेकिन ये ब्लूटूथ मोड में है इसलिए ये काम नहीं करेगा, तो इसे सबसे पहले मोड को चेंज करना पड़ेगा। तो ये देखिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर AUX मोड आ चुका है, तब मैं म्यूजिक को प्ले करके और दिखा दे रहा हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों मैं दूसरे वाले जैक में इसे डाल के दिखा दे रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमने दूसरे वाले ऑक्स में जैक को डाल दिया है और यहाँ पे मैं वॉल्यूम को अप करूँगा तो गाना बजेगा। करता हूं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दें और मैं फिलहाल इसमें और एक म्यूजिक प्ले करके आप लोग को सुना दे रहा हूं। तो वीडियो को